सबरीमला मंदिर को खुले 5 दिन हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक कोई महिला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाई है। इस बीच केरल दलित महिला संघ की अध्यक्ष मंजू ने सबरीमला मंदिर में जाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि अगर आज मौसम और हालात ठीक रहे तो मंजू को पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश करवाया जाएगा। इस बीच दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने मंदिर परंपराओं का समर्थन किया है। रजनीकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य है, लेकिन परंपराओं का भी पालन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए वारदातों के लिए सुपारी लेने वाले गैंग के बदमाशों का जुलूस निकाला। आरोप है कि गैंग फोटो अपलोड कर मकान खाली कराने से लेकर हत्या करने तक की सुपारी लेने के लिए सोशल मीडिया पर अपराध की मार्केटिंग करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद वो लोग सभी आरोपियों को शहर में पैदल लेकर निकले। पुलिस के बड़े अधिकारी आगे आगे चल रहे थे तो बाकी पुलिस वाले आरोपियों के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाए हुए थे। 19 बदमाशों का ये पैदल जुलूस उज्जैन के जिवाजीगंज थाने से पुलिस कंट्रोल रूम तक निकाला। आरोप है कि बदमाशों का ये गैंग अपराध के बाद सोशल मीडिया पर इसकी मार्केटिंग करता था, ताकि लोगों में इसकी दहशत फैले और इसका फायदा गैंग को मिले। आरोप है कि लूट, धमकाने, मारपीट करने और पैसा वसूली जैसे वारदातों में ये गैंग शामिल था। पुलिस ने एक संगठित अपराध के गिरोह को पकड़ा है। इसमें 19 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 पिस्टल और काफी मात्रा में तलवार और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरोह से 9 देसी और विदेशी पिस्तौल, 10 से ज्यादा तलवार और चाकू, 13 राउंड कारतूस जब्त किए हैं। ऑनलाइन रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने 5 दिन तक चले सालाना दशहरा सेल में भारी बिक्री का दावा किया है। दोनों कंपनियों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया कि दशहरा सेल में फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने करीब 15,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा। दावा किया गया कि ऑनलाइन बिक्री का यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 64% ज्यादा है। बिक्री के इन आंकड़ों के साथ ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बीच जारी नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी की होड़ भी तेज हो गई। आंकड़ों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि दशहरा सेल की बिक्री में फ्लिपकार्ट ने अमेजोन को पछाड़ दिया है। दावा किया गया कि 5 दिन तक चली दशहरा सेल में फ्लिपकार्ट ने करीब 8,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा, जबकि अमेजोन ने इस दौरान 6,000 करोड़ रुपए का सामान बेचने का दावा किया। बताया गया कि इस सेल के दौरान सबसे ज्यादा फैशन से जुड़े सामान की बिक्री हुई, जबकि बिक्री के मामले में दूसरा नंबर मोबाइल और घर में काम आने वाले सामान का रहा।